साहब आ गए। बत्तो बुआ, सूटकेस, इसमें विक्की के कुछ खिलौने और कपड़े हैं। इन सब की क्या जरूरत? विक्की का स्कूल का बैग, ये तो आप ले जाएंगे? हाँ ये दे। हाँ बेटा। डिंपल पे तो किस करने दो। चलो। थैंक यू निशा। जाते हुए ये भी नहीं कहोगे कि जब जी चाहे विक्की से मिलने आ जाना? ये वाला कि वो दूसरा? ये वाला। All right. ये अच्छा लगता है? स्मार्ट। विक्की बेटा, मजा आया ना? हाँ पापा, ढेर से खिलौने, बहुत से कपड़े, डिनर, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अच्छा अब आप सो जाए। आप कहानी सुनाइए ना। कहानी सुनाओ। अच्छा अच्छा, एक थी बुढ़िया। बुढ़िया वाली कहानी नहीं, परियों वाली कहानी सुनाइए। परियों वाली कहानी? अच्छा, एक परी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ये वाली कहानी नहीं, जो मम्मा सुनाती हैं। जो मम्मा सुनाती है? बेटा वो तो हमको नहीं आती। अच्छा चलिए, म्यूजिक बजाइए। म्यूजिक? हाँ म्यूजिक बजाते हैं। कौन सी फिल्म का कैसे सुनेंगे आप? फिल्म का नहीं, म्यूजिक लगाइए। कौन सा म्यूजिक? जो मम्मा सुनाती है। जो मम्मा सुनाती है? बेटा वो म्यूजिक तो हमारे पास है नहीं। ऐसा करेंगे, कल मार्केट से ले आएंगे। ओके, अभी आप सो जाइए। गुड बॉय, गुड नाइट। Thank you.
निशा बेटा अभी अभी तो गई थी और अभी लौट भी आई। क्या करूं बुआ, विक्की की बहुत याद आती है। घर बैठती हूं तो दीवारें काटने को दौड़ती हैं, बाहर जाती हूं तो मन नहीं लगता। बस हर वक्त यही सोचती हूं खाना ठीक से खाता होगा कि नहीं, उसका होमवर्क पता नहीं अमर कराता है कि नहीं, और उसकी प्यारी प्यारी बातें कोई ध्यान से सुनता है कि नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी। नहीं, मुझे मम्मा के पास सोना है, मैं मम्मा के पास जाऊंगा। देखो विकी, जिद नहीं करते हैं, सो जा। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। देखो बेटा, अभी बहुत रात है, हमको भी डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा, और बाहर पुलिस होती ना वो पकड़ के ले जाएगी। चलो आओ, आप पापा पास आ जाओ। निशा, ऐसे कैसे चलेगा बेटी, घर पर कब तक बैठी रहोगी? काम पर जाओ, सच्चाई का सामना करो बेटा। उससे मुंह चुराओगी तो तकलीफ बढ़ेगी ही, और फिर यूं दिन रात सोच सोच कर तो पागल हो जाओगी। चलो कल से काम पर जाओ, थिएटर से नए नाटक का बुलावा आया है, और हाँ, वो चोपड़ा साहब ने भी याद किया है, लगता है उनका गुस्सा कम हो गया है। दो घूम दौड़ बेटा। नहीं बस। ओफो, रहने दो काका। बेटा आज चलो, हम तुम्हें स्कूल छोड़ दें। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? 1 बजे। क्यों, आज आप हमें लेने आएंगे? हाँ। 2:30 बज गए, विक्की घर आ गया होगा। नहीं निशा, फोन मत करना, विक्की को अपनी याद ना दिला, वो वहां पर दुखी हो जाएगा। रखते फोन। विक्की, विक्की, देखो हम आपके लिए क्या ला। क्या हुआ, आप हमसे नाराज हैं? हाँ, कल आपने जो हमसे प्रॉमिस किया था, मेरा होमवर्क। Oh, I'm terribly sorry, terribly sorry. ऐसा करते हैं, पहले होमवर्क करते हैं। क्यों जंदु काका? बिल्कुल भी। ओके, ये सम्स, ये सम्स तो बेटा कुछ कंफ्यूजिंग से हैं, ये तो मुझे नहीं आते। क्यों, मामा को तो आते हैं, आपको क्यों नहीं आते? आप भी तो इतने बड़े हैं। बेटा यहीं तो मैं मार खा गया। ऐसा करते हैं, इनके लिए आपको ट्यूटर रख देंगे। ओके, अभी होमवर्क फिर बाद में कर लेंगे। ये देखो क्या लाए, खोल के देखो। देखो, हेलो। हेलो, आई एम क्रिस्टी हियर। यस मिस क्रिस्टी, हाउ आर यू? जी फरमाइए। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हैं क्या? आप विवेक को अटेंड नहीं कर रही, उसकी प्रोग्रेस कम हो गई है, क्लास में भी मन नहीं लगता, होमवर्क भी ठीक नहीं होता। मैं तो उसके हाथ लेटर भेजने वाली थी, फिर सोचा आपको फोन करूं। आप विवेक को टेंशन दीजिए, इतना शार्प स्टूडेंट है, क्या हो गया है उसे? क्या बात है निशा जी, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू इन एनी वे, बट इट वॉज माई ड्यूटी टू टेल यू अबाउट विवेक। नो नो, बट ऑफ कोर्स मिस क्रिस्टी, In fact, I should be sorry. I'll definitely try and do something about it. I'm very sorry, Miss Christie. Yeah, thank you for calling. हाँ भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ, तुमसे मेरी बात समझो यार। हम तो समझते नहीं यार, कमाल है तुम्हारा भी यार। चाय ठंडी हो रही है? हाँ एक मिनट, हाँ तुमसे नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल मिल लूंगा उनसे। ओके, ऑलराइट। भाई निशा, क्या हाल चाल है आजकल? ठीक है, काम पर तो जाने लगी है, पर सिर्फ 2-4 घंटे के लिए। भाई इतने बड़े शॉप से उभरने में वक्त तो लगेगा इसको। धीरे धीरे काम पर जाएगी तभी तो मन बहलेगा। बहुत दिनों से अमर भी नहीं मिला है। आई डोंट नो, देखिए क्या हाल चाल है।
क्या हुआ बेटा, आप तो सो गए थे। मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं मम्मा के पास सोऊंगा। विक्की, बुआ बुआ देखो विक्की आया है। निशा क्या हुआ बिटिया, कोई सपना देखा? नहीं बुआ, मुझे विक्की ने अभी अभी बुलाया, मैंने खुद सुना है। विक्की इस समय? बुआ आप जल्दी दरवाजा खोलिए। सो जाओ बिटिया, अपने आप को संभालो बेटा। मैं पागल हो जाऊंगी बुआ, मैं पागल हो जाऊंगी। आप उन्हें फोन कर दीजिए, वो जरूर आ जाएंगी। अरे हाँ विकी, मम्मी जो है ना वो शूटिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। सच? बिल्कुल सच। कब आएंगी? 4 दिन में आएंगी, जब आएंगी तो मिल लेना। यार 10 दिन हो गए हैं विकी को मेरे पास आए हुए, दिन भर तो खुश रहता है, रात को निशा के लिए परेशान करता है, फिर मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो एक फर्क होता है माँ और बाप में। खैर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुझसे एक काम था। बोल। विकी जिद करने लग गया है कि मम्मी को फोन करके बुलाओ, तो मैंने बहाना बना दिया कि निशा 4 दिन के लिए बाहर गई। अब 4 दिन तो ठीक से गुजर जाएंगे, लेकिन अगर विकी ने वहां फोन कर दिया तो गजब हो जाएगा। तो फिर नाज से कह के निशा को समझा दे कि अगर विकी का फोन आए तो बुआ से कहलवा दे कि वो बाहर गई है। ना समझा देगी, लेकिन तुम ये बहुत रिस्की खेल खेल रहे हो। क्या करूं यार, बच्चा है, मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऑफिस में भी इतना काम इकट्ठा हो गया, समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या सुनंदा का फोन है? क्या कहा तुमने? अरे भाई पूछ तो लिया करो, चलो लाइन दो, आई स्पीक विद। हेलो सुनंदा। आजकल बेटे में इतना खो गए हो कि बाकी सबको भूल गए और झूठ भी बोलने लगे हो। मुझे लंच पर बुलाकर इंतजार कराते हो और खुद बेटे को लेकर शॉपिंग करते हो। I never thought that your son is so important to you कि मुझे भी इग्नोर करने लगोगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू स्वीटहार्ट, बस कुछ परेशान हूँ, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। हेलो बुआ, मैं विक्की बोल रहा हूँ। हाँ हाँ विक्की बाबा, कैसे हो? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, मम्मा को फोन दो। बेटा मम्मा तो दिल्ली से बाहर गई हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पापा कहते थे कि 4 दिन में लौट आएंगी। हाँ पर अभी तक आई नहीं। अच्छा जैसे ही वो आए उनसे कहना कि मुझे ले ले, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। ये क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं चाहिए खाना वाना, आपने गाड़ी यहीं रोकी, मुझे मम्मा से मिलने नहीं दिया, मम्मा यहीं पर है, मैं मम्मा के पास ही रहूंगा। बेटे ट्रैफिक बहुत थी, गाड़ी नहीं रोक सकते थे। आप अच्छे नहीं हैं, आपने मुझे मम्मा से मिलने नहीं दिया, मैं मम्मा के पास ही रहूंगा। देखो अब बहुत हो गया, चुप करके खाना खाओ। अरे विक्की बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा आएंगी। अंदर चलो, रात बहुत हो गई है और देखो बारिश भी आने वाली है। मामा आ गई तो? इतनी रात को? नहीं मामा जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। क्या हुआ विकी को? अब क्या बता मैं अमर बेटा। डॉक्टर साहब बुखार ज्यादा तो नहीं है? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सुनंदा। अमर इस वक्त? आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और वो भी अचानक, अपने बेटे से फुर्सत मिल गई? नहीं थोड़ा परेशान था, तुम्हारी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सुनंदा विकी को उसकी माँ के बिना संभालना जरा मुश्किल हो रहा है। तो उसे उसकी माँ के पास छोड़ाओ, इतनी बात के लिए सवेरे सवेरे जगा दिया? नो सुनंदा, आई कांट डू दिस। तो फिर क्या करोगी?
वही तो तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम उससे जान पहचान बढ़ा लो, उसे प्यार करो, उसके साथ खेलो, तो विकी के अंदर माँ की कमी पूरी हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें इस घर में आकर इसे अपनाना ही है। What? What are you talking about? तुम होश में तो हो? हमारे रिलेशंस में तुम्हारा बच्चा कभी बीच में नहीं आया। सुनंदा, मैंने तुम्हें विकी के बारे में बताया तो था। तो अब समझी, तुम मुझे अपने बच्चे की आया बनाना चाहती थी। तुम्हें सुनंदा नहीं, अपने बच्चे के लिए गवर्नेस चाहिए। ऐसी बात नहीं है सुनंदा। आज भी ये फोन तुमने अपने मतलब से किया है। कितने खुदगर्ज इंसान हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, अब तक मैं तुम्हें गलत ही समझी थी, पर अब तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ चुका है। जिस बेटे के लिए तुमने निशा की कुर्बानी दी थी, उसके लिए तुम मुझे कितने सेल्फिश हो। सुनंदा, भूल जाओ सुनंदा को, मुझे सोने दो, और अब कभी फोन मत करना। क्या बात है अमर बेटा? कुछ समझ में नहीं आता काका, क्या करूं? शायद ज्यादा प्यार मिलने पर बिगड़ गया। पर डांट फिटकार से और बिगड़ जाएगा। तो क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जा रहा है। इतना बड़ा बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और तुम उसे कब तक धोखा देते रहोगे? कल को अगर वो घर से भाग गया या उसे कुछ हो गया तो मुझे तो अभी से लगता है कि वो रो रो के जान दे देगा। क्या कह रहे हो काका? ठीक कहता हूँ बेटा, अगर बच्चा माँ के लिए एक बार हुड़क जाए तो फिर संभलना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करूँ? करना तो तुम्हें ही है, आखिर वो तुम्हारा बेटा है, कहीं भी रहेगा तुम्हारा ही कहलाएगा। और सुनो, तुम यही चाहते हो ना कि वो जहां भी रहे खूब फले फूले? तो बेटा, कोई भी पौधा अपनी जड़ से उखड़कर कैसे फल फूल सकता है? निशा बेटी, आज इतवार है, जाओ कहीं घूम आओ, मन बहल जाएगा। बेटी, अब मन बहलाने के लिए मेरे पास रखा ही क्या है? बुआ, घंटी बजी है। विकी, विकी, मेरा विकी आ गया। मेरा बच्चा, मेरी जान। निशा, अदालत का फैसला मेरे हक में था, लेकिन विकी का फैसला तुम्हारे हक में है। विकी तुम्हारे बिना बहुत दुखी था, हम मैं इसका दुख नहीं देख सकता।